ओके, एसएल लोनी एग्जाम्पल्स 11 के डाउट देख रहे हैं अपन, है ना। हाँ फिफ्टींथ क्वेश्चन एंड ट्वेल्थ क्वेश्चन, तो ट्वेल्थ क्वेश्चन सबसे पहले देख लेता हूँ, फिर 15 देखेंगे, फिर 8th, 8th बोला। अच्छा चलो पहले 8th देख लेते हैं। 12th, 15th, इन क्वेश्चंस में डाउट है। अगर आपको और कोई क्वेश्चन में डाउट है और आप बाय चांस रिकॉर्डिंग देख रहे हो, है ना, तो आप कमेंट कर देना, मैं वो भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8th देखते क्या है। टेन थीटा इज इक्वल टू -1, 15 और 16। ओके देखो, टैन थीटा इज इक्वल टू -1, ये माइनस को आप भूल जाओ, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं फिर से। देखो समझो इस चीज को, टैन क्या है, नेगेटिव है। टैन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, सही बात है। अच्छा, और ये 1 कब होता था, टैन 45 डिग्री पर। तो आपको किसके कजिन्स ढूंढने हैं, 45 डिग्री के, और कौन कौन से क्वाड्रेंट में ढूंढेंगे अपन, सेकेंड और फोर्थ। तो लेटेस्ट ट्राई टू ड्रॉ इट, ये आपका क्वाड्रेंट सिस्टम है। 45 डिग्री का कजिन आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में चाहिए, तो कैसे, ये वाली लाइन की हेल्प लेंगे अपन सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। दिस लाइन -45 डिग्री विल गिव अस समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये है 45 डिग्री माइनस। तो अपन ने क्या करा है, ऑड पाई से सब्ट्रैक्ट करा है, और अभी भी बचा है, रुको, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको क्या चाहिए, 45 का भाई, तो अपन ये वाली लाइन को यूज करेंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 45 का कजिन आगे जाना है या पीछे, पीछे, तो 45 डिग्री पीछे जाएंगे, तो वी विल गेट दिस लाइन, ये 45 डिग्री अपन पीछे गए, -π/4। ठीक है, तो ये इवन पाई है, चाहे इवन पाई हो चाहे ऑड पाई हो, आपको करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है 45 डिग्री। सो थीटा शुड बी एनी मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब एन पाई -π/4। कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई पे आप क्या करो, π/4 सब्ट्रैक्ट कर दो। इज दैट ओके? तो पीछे 3π/4 है अच्छा, पीछे क्या आंसर दिया, 1 मिनट सर, में। हम ऐड भी कर सकते हैं 3π/4। यस यस एब्सोल्युटली कर सकते हैं। पीछे जो आंसर दिया हुआ है वो उन्होंने ऑब्ट्यूज एंगल के हिसाब से दे दिया, मैं एक्यूट एंगल के हिसाब से दे रहा हूँ। देखो सेम क्वेश्चन, अगर आपको 3π/4 ऐड करना है तो भी आप कर सकते हो, इट इज, मैं बता देता हूँ ना, मेथड टू। वो डिपेंड करता है यार आपको ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो अभी पीछे जो दिया हुआ है आंसर उसको मैं एक बार देख चुका हूं अभी, समझो 45 डिग्री का कजिन एक तो यहां पर आएगा और एक यहां पर आएगा। ठीक है, सो दिस इज π/4, -π/4, मतलब अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उल्टा डायरेक्शन है ना बेटे, ये डायरेक्शन जो होता है ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है एडिशन वाला, और ये उल्टा डायरेक्शन होता है नेगेटिव डायरेक्शन सब्ट्रैक्शन वाला। ठीक है, ये भी -π/4। तो आप समझो इस चीज को कि अगर ये एंगल π/4 है तो ये रेड वाला एंगल कितना होगा, 3π/4। फड़फड़ाहट हो रही है तो मैं आपको हिंदी में बोलता हूँ, ये एंगल 45 है तो ये एंगल 135 होगा, हिंदी मतलब डिग्रीज में, है ना, और रेडियंस अंग्रेजी जैसा लगता है, थोड़ा स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा। तो ये 45 है तो 135 डिग्री हो जाएगा, और इवन पाई है। अच्छा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये वाला छोटू एंगल, बड़ा एंगल, ये भी 3π/4 हो जाएगा, कॉमन सेंस वाली बात है ना। देखो ये पूरा 180 होगा, दिस होल विल बी 180, और ये अपने को पता है 45 है, तो ये 135 डिग्री होगा। तो अपने को क्या समझ में आया है, इवन पाई हो या ऑड पाई हो, आपको करना क्या है, आपको तो 3π/4 ऐड करना है। देखो मैंने क्या करा है, यहां पर ये इवन पाई जो है, देखो इधर, इस पर 45 डिग्री, थ्री सॉरी 135 डिग्री ऐड किया, तो मैं कहां पर पहुंचूंगा, यहां पर, विच इज माई टारगेट, टारगेट पर पहुंचना है आपको, बस ऐसा सोचो। ठीक है, दूसरा टारगेट, ये वाली जो लाइन है मेरे पास, ये वाली,
इस पर अगर मैंने 135 डिग्री ऐड करा, 135 डिग्री ऐड करा, तो मैं कहां पर पहुंचूंगा, मैं यहां पर पहुंचूंगा, ठीक है, तो टारगेट पर पहुंच जाएंगे। तो फाइनली अपन क्या बोलेंगे, चाहे इवन पाई हो चाहे ऑड पाई हो, आप 3π/4 ऐड कर दो, दोनों आंसर सही है। अब वो डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शंस में क्या दिया है। अपना एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं होता है, अपना एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन दी ऑप्शंस। जो भी ऑप्शन में दिया वो आप टिक कर देना, दोनों ही दिए तो दोनों आंसर करेक्ट है। ओके, नाउ टेल मी क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12th के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th में बोला है कि साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बेटे सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा 1 है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? एनीवन? प्लस माइनस 1, स्क्वायर हटेगा, मॉड आएगा, यहां पे अंडर रूट आएगा 1 का, 1 का अंडर रूट 1 होता है सिर्फ, नॉट प्लस माइनस 1। ओके, मैं आपको समझा चुका हूं। फिर मॉड हटेगा तो प्लस माइनस बटेगा, तो साइन थीटा का वैल्यू प्लस 1 और माइनस 1। आप पहले ये देखो कि साइन थीटा का वैल्यू प्लस 1 और माइनस 1 कहां पर होगा। कोई मुझे बस इतना बता दो कि आपने 10th क्लास में क्या पढ़ा था, साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होता था, 10th क्लास में क्या पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, सही बात है। अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन यहां पर आपको सिर्फ 1 नहीं चाहिए, आपको माइनस 1 भी चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ बच्चों कि ये जो वर्टिकल लाइन होती है यहाँ पर कॉस 0 होता है लेकिन साइन यहाँ पर 1 होता है, ये आपको याद रख लेना चाहिए। याद रखना नहीं है, इट इज नो रॉकेट साइंस, ये 90 डिग्री है। 10वीं कक्षा में आपको पढ़ा दिया गया था कि साइन 91 होता है, तो यहाँ पर साइन थीटा क्या होता है, 1 होता है। और इसके ठीक ऑपोजिट वाली जो जगह है जिसको मैं थोड़ा डार्क ग्रीन कर देता हूँ, यहाँ पर साइन थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है। अब यहां पर अपन पहुंचेंगे कैसे, बस आपको ये सोचना है कौन सी, ये वाली लाइन यूज कर लेते हैं अपन, इवन पाई, आप चाहो तो ऑड पाई यूज कर लो, वो भी आंसर करेक्ट होगा, बट जनरली वी टेंड टू यूज इवन पाई, ठीक है ना, थोड़ा सुंदर लगता है देखने में। तो इवन पाई पे क्या करना पड़ेगा बताइए, हम लोग 90 डिग्री ऐड करेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू 1 मिल जाएगा, है ना, एक ऐसा एंगल मिलेगा जिसका साइन 1 होगा, प्लस पाई बाई 2। लेकिन अगर आपने माइनस पाई बाई 2 किया तो भी आपको एक ऐसा एंगल मिलेगा जिसका साइन थीटा माइनस 1 होता है। हमको प्लस 1 और माइनस 1 दोनों चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे फाइनल आंसर, दैट थीटा इज इक्वल टू इवन पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे आइदर प्लस पाई बाई 2 कर दो और माइनस पाई बाई 2 कर दो, दोनों चलेगा। यहां पर एन क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, नीडलेस टू से, गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी, समझिए, तो आप पीछे भी चेक कर लेना, यही आंसर दिया होगा डेफिनेटली, प्लस माइनस पाई बाई 2। ओके, 12th के बाद शायद 14th 15th में डाउट था और 16th में भी डाउट था, मैंने शायद नोटिस नहीं करा है, 13, 14 में भी डाउट है, 13, 14, 15, 16 में सारे बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अगर आपने ये होमवर्क नहीं करा तो आपने तो बहुत अच्छी चीज मिस कर दी है, मैं सच बता रहा हूँ। अब आप क्या करोगे ना, आप 2 साल तक जनरल सॉल्यूशन से डरोगे, बस आपका डर निकल जाता है अगर आप होमवर्क कर लेते तो। अब जब भी मैं जनरल सॉल्यूशन बोलूंगा आप डरोगे बस कि ये तो नहीं आता है। तो अगर आपको नहीं आएगा जनरल सॉल्यूशन तो आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेना कि मैंने होमवर्क नहीं करा था, ठीक है, आई वॉज बिजी प्लेइंग पबजी, ऐसा कुछ रीजन ही होगा, और कौन सा, और कौन सा काम होता है आपको बताइए, ऐसा तो है नहीं कि और कोई इंपॉर्टेंट काम होता है, स्कूल भी नहीं जाना है अभी तो। चलिए, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, तो इट क्लियरली मीन्स दैट cos थीटा इज इक्वल टू आइदर हाफ और माइनस हाफ, दो आंसर आएंगे। तो मेरे को है ना हाफ और माइनस हाफ के हिसाब से, दोनों के हिसाब से सोचना पड़ेगा। पहले cos थीटा हाफ के हिसाब से सोचते हैं, बताइए थीटा हाफ, रूट एंगल क्या आएगा यहाँ पे, बोलो cos थीटा हाफ कब होता है, फर्स्ट और फोर्थ,
और माइनस का होता है सेकेंड और थर्ड, मतलब चारों क्वाड्रेंट्स, ऑल फोर क्वाड्रेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 60 डिग्री का कजिन ढूंढेंगे फोर, ऑल फोर क्वाड्रेंट्स में। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कजिन ढूंढते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी लाइन यूज करोगे आप, इवन पाई, ठीक है। तो इवन पाई पे अपन क्या करेंगे, 60 डिग्री ऐड कर देंगे, ठीक है। 60 डिग्री ये लो ऐड कर दिया, क्या मिला आपको, ये वाली लाइन, दिस इज अवर टारगेट लाइन। यहां पर कॉस थीटा डेफिनेटली हाफ होता है। अब ये थीटा कुछ भी हो सकता है, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये छोटा सा एंगल जो है वो 60 डिग्री या फिर पाई बाय 3 रेडियंस होगा, ओके। अच्छा ये इवन पाई है ना, मैं क्या करूं इसमें 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं तो भी मुझे कॉस थीटा हाफ मिलेगा ही मिलेगा, ओके। तो माइनस 60 डिग्री अगर मैंने किया तो भी क्या मिलेगा, कॉस थीटा हाफ मिलेगा। अच्छा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम लोग ये वाली लाइन यूज करेंगे, ये कौन सी लाइन है, 2n प्लस 1 पाई। क्या करूं इसमें बताइए, सिक्सटी डिग्री आपको चाहिए ना, 60 डिग्री का कजिन सेकेंड क्वार्टर में है, चाहिए तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे पाई बाय 3, तो आपको ये मिल गया कजिन। और फोर्थ क्वार्टर में चाहिए तो प्लस करेंगे, तो प्लस पाई बाय 3 करने पे ये कजिन मिल जाएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो इवन पाई हो तो आपको क्या करना है, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री माइनस, ओके। और अगर ऑड पाई है तो भी आपको 60 डिग्री माइनस और 60 डिग्री प्लस करना है। तो कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई में आपको एक ही काम करना है, चाहे 60 डिग्री ऐड करो या माइनस करो। तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा सॉरी इवन पाई नहीं लिखना है मेरे को यहां पे, कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई, एनी मल्टीपल ऑफ पाई, उस पर मैं क्या करूंगा, या तो 60 डिग्री प्लस करूंगा या तो 60 डिग्री माइनस करूंगा। इट डजंट मैटर कि इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, दोनों पर काम तो सेम ही करना है ना। तो प्लस 60 डिग्री या माइनस 60 डिग्री, ऐसे करके अपन आंसर लिख देंगे। दिस इज द परफेक्ट आंसर एंड बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। प्लीज नोट इट डाउन, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन है अपना 13 के बाद 14th क्वेश्चन है, पहले इसको नोट डाउन कर लो फिर मैं 14th क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 3। ओके बच्चों, आप में से किसी ने भी 14th क्वेश्चन सॉल्व किया है, एनीवन? यस सर, अभी किया है। यस सर। ओके तो दिशा, चलो आप बताइए मुझे कि 14th क्वेश्चन में क्वाड्रेंट कौन सा आएगा। आराम, 1 और 3 आएगा, देखते हैं। देखिए tan square theta is equal to 1 by 3 दिया हुआ है, अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटता है मॉड आता है, और यहां पर भी 1 by 3, 1 by 3 का अंडर रूट क्या आएगा, 1 by root 3 पॉजिटिव। आप इस बात को समझो बच्चों, ठीक है। दिस इज द वेरी 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 गुड टाइम टू अंडरस्टैंड कि पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट पॉजिटिव ही होता है। अंडर रूट ऑफ 1 बाय रूट 3 इज जस्ट अंडर रूट ऑफ 1 बाय रूट 3, प्लस माइनस यहां से नहीं आता है, प्लस माइनस मॉड से आता है, ठीक है। ऑल क्वाड्रेंट्स आएगा, करेक्ट आंसर है। देखो यहां से अब प्लस माइनस हटेगा, सॉरी मैं क्या बोल रहा था, मॉड हटेगा प्लस माइनस बटेगा, ठीक है ना। एकदम आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, स्क्वायर हटेगा मॉड आएगा, मॉड हटेगा प्लस माइनस बटेगा, प्लस और माइनस, मतलब आपको tan थीटा पॉजिटिव भी चाहिए और नेगेटिव भी चाहिए। पॉजिटिव आपको फर्स्ट और थर्ड में मिलेगा, नेगेटिव आपको सेकंड और फोर्थ में मिलेगा, मतलब ऑल द फोर क्वाड्रेंट्स। अब ये बताओ कि 1 बाय रूट 3
tan theta कब हुआ करता था? What is the root angle? Root angle used to be pi by 6, 30 degree. मैं यहाँ ब्रैकेट में 30 डिग्री लिख देता हूँ ताकि आपको फड़फड़ाहट ना हो. 30 डिग्री पर tan theta 1 by root 3 हुआ करता था. अब अपने को 30 डिग्री के cousins चाहिए in all the four quadrants. Cousin concept जो है ना वो बहुत important है. ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, फोर क्वाड्रेंट्स में कजिन चाहिए तो सबसे पहले मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे मिलेगा, इवन पाई, उस पर 30 डिग्री ऐड कर देंगे प्लस पाई बाय 6, खत्म. तो इवन पाई प्लस 30 डिग्री या फिर इवन पाई माइनस 30 डिग्री चलेगा, पक्का? अच्छा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे मिलेगा अपने को, चारों क्वाड्रेंट में चाहिए ना, तो कोई जरूरी थोड़ी अपन अब सीक्वेंस से देखेंगे, कैसे भी देखो. तो फोर्थ, अच्छा ये वाले क्वाड्रेंट में मिलेगा अपने को ऑड पाई, ऑड पाई ये वाली लाइन है, इसमें या तो 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो या तो 30 डिग्री ऐड कर दो. तो 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और 30 डिग्री ऐड भी कर सकते हैं. तो फाइनली अपने को इतना समझ में आ गया, चाहे इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो चाहे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, आपको क्या करना है, 30 डिग्री प्लस करना है और माइनस करना है. तो देखो थीटा इज इक्वल टू, कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई हो, कोई भी मल्टीपल, चाहे इवन मल्टीपल हो चाहे ऑड मल्टीपल हो, आपको क्या करना है, आइदर यू हैव टू add 30 degree or subtract 30 degree where n belongs to the set of integers. Chalega? This is your final answer. Please note it down. Fir apan 15th question karenge. Okay. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15th देखते हैं ना. लेट्स सी 15th क्वेश्चन में क्या गिवन है. 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो ये भी काफी इजी है, सेम कंसेप्ट है यहाँ पे. 4 साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 3, ठीक है. तो आप क्या बोल सकते हो यहां से बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4, दोनों तरफ अंडर रूट ले लोगे तो स्क्वायर हटेगा मॉड आएगा. ओके, रूट 3/4 का अंडर रूट आ जाएगा रूट 3/2 प्लस रूट 3/2. अब मॉड हटेगा तो प्लस माइनस बटेगा, तो साइन थीटा मॉड हटा तो प्लस माइनस आया. अब प्लस माइनस इस तरफ लिखो या आरएचएस में लिखो फर्क थोड़ी पड़ता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली अपन शिफ्ट कर सकते हैं प्लस माइनस, तो मैं आरएचएस में ही लिखता हूं हमेशा, यहां से प्लस माइनस आता है. मैं आपको ये सब चीजें बार बार स्क्रैच से धीरे धीरे बच्चों की तरह इसलिए समझाता हूं ताकि आपको कभी ना कभी तो समझ में आए, बाय चांस पहले समझ में नहीं आया तो अब आ जाए, है ना. तो लिखो यहां तक. अब सबसे पहले मुझे ये कौन बताएगा कि क्वाड्रेंट्स कौन से इन्वॉल्व्ड है, पहला क्वेश्चन. सारे क्वाड्रेंट इन्वॉल्व्ड है. दूसरा क्वेश्चन, रूट थ्री बाय टू मतलब रूट एंगल कौन सा हो गया, 60 डिग्री. तो 60 डिग्री के कजिन्स ढूंढना है. मैं बता रहा हूँ ये बहुत इजी है जनरल सॉल्यूशन, अगर आपको समझ में आ गया तो. और ये जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ना, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा आपको, आई प्रॉमिस. दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी दैट यू कैन गेट. फिर आप बोलोगे कि सर आप तो कह रहे थे मुश्किल होता है, यार देखो समझ में आए तो आसान है, है ना. और समझ में तब आता है जब आप होमवर्क करोगे. तो आप अगर होमवर्क कर रहे हो या एटलीस्ट मेरा लेक्चर अभी सुन रहे हो ना ध्यान से, तो ही इट इज इनफ. अब देखो यहाँ पर थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री. बेसिक तो अपने को पता है ना, सॉरी 60 डिग्री. तो हम लोग क्या करेंगे, चारों क्वाड्रेंट में 60 डिग्री ढूंढेंगे. तो चारों क्वाड्रेंट ढूंढना है तो पहले फर्स्ट और फोर्थ में, फिर थर्ड और सेकंड में ढूंढ लिया करो, हमेशा ऐसे ही किया करो. तो इधर 60 डिग्री कैसे मिलेगा आपको, 2n पाई पे 60 डिग्री ऐड कर देने पर और 2n पाई पे 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देने पर. इज दैट ओके? अच्छा, और यहां पर कैसे मिलेगा आपको,
2n plus 1 pi, इस पर अपने को add subtract करना पड़ेगा। आप 60 degree अगर subtract करते हो तो आपको ये मिल जाएगा एंगल, तो माइनस 60 डिग्री, पीछे जा रहे हो तो माइनस और ऐसे आगे जा रहे हो तो प्लस, प्लस 60 डिग्री, ठीक है। तो चाहे इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, दोनों में आपको करना क्या है, एड 60 माइनस 60, तो थीटा क्या आ जाएगा, एनी मल्टीपल ऑफ पाई मतलब कोई भी एन पाई लिख दो, उस पर आपको क्या करना है, प्लस 60 डिग्री करना है और माइनस 60 डिग्री करना है, एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। आपको अगर फड़फड़ाहट होती तो एन का वैल्यू डाल के देख लो ना, सबसे पहले जीरो डाल के देख लो तो क्या मिलेगा आपको, प्लस 60, थीटा क्या क्या आ रहा है, पाई बाय 3, जो कि 10th क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था, 60 डिग्री पर तो साइन थीटा रूट 3 बाय 2 होता ही है, और एक और थीटा आ रहा है अपने पास माइनस 60 डिग्री। अब ये माइनस 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, माइनस 60 डिग्री का मतलब होता है ये वाला एंगल, ये वाला माइनस 60 डिग्री, यहां पर साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3 बाय 2 हो जाएगा। दोनों ही चाहिए अपने को आंसर, प्लस रूट 3 बाय 2 भी चाहिए और माइनस रूट 3 बाय 2 भी चाहिए, दोनों आंसर अपने को मिल जाएंगे। इज दैट ओके? अच्छा, एन का वैल्यू 1 डाल के देखो तो एन पाई मतलब 1 पाई प्लस पाई बाय 3, तो आपको क्या मिलेगा उससे देखते हैं, 1 पाई प्लस पाई बाय 3, फटाफट 3 प्लस 1 4 4 पाई बाय 3, ज्यादा फटफड़ाहट हो रही तो डिग्रीज में सोचो बेटे, 1 पाई मतलब 180 होता है और पाई बाय 3 मतलब 60, 180 प्लस 60 कितना 240, ये 240 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, और 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 120 मतलब 2 पाई बाय 3। अब देखो आपको मेहनत करनी पड़ेगी यार, एंगल्स जो है रेडियंस में बहुत मुश्किल से याद होते हैं, ठीक है, एज अ स्टूडेंट मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, बार बार अपने आपको समझाया कि पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 दोनों कजिन्स है, मतलब 30 और 150, ये देखते ही 150, आपने 150 सुना और आप तुरंत खट से 5 पाई बाय 6 लिखो, आपने 120 डिग्री सुना और आप तुरंत खट से 2 पाई बाय 3 लिखो, आपने 135 डिग्री सुना आप तुरंत बोलोगे 3 पाई बाय 4, आपको ये लेवल होना चाहिए आपका, ठीक है, इट कम्स विद प्रैक्टिस। कैसे प्रैक्टिस करो, जो भी आपको फ्री टाइम मिलता है उसमें डिग्री से रेडियन में एंगल को लिख लिख के याद करो, कॉपी के पीछे वाला जो पेज होता है ना, समझ में आ रहा है, उसमें अब आप क्रिस क्रॉस तो नहीं खेलते होंगे, तो आप यही सब किया करो, बार बार डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, ग्राफ बना लिया साइन कॉस का, साइन कॉस का ग्राफ अपन देखेंगे आज के दिन देखेंगे या फिर कल देखेंगे अपन साइन कॉस का ग्राफ, कल अपना ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 खत्म हो जाएगा तो अपन फेज 2 चालू करेंगे वेरी सून। ओके, सो फाइनली मैं आपको ये बस एन का वैल्यू डाल के बता रहा था कि 1 डालोगे तो आपको ये दोनों एंगल मिलेंगे, 0 डालेंगे तो ये मिलेंगे, एन का वैल्यू अगर आप 2 डालते हो तो आपको कुछ और एंगल मिलेगा, 3 डालते हो तो कुछ और, एंड सो ऑन, उन सारे एंगल्स पर साइन थीटा या उन सारे एंगल्स का साइन वैल्यू जो होगा वो आइदर रूट 3 बाई 2 होगा और माइनस रूट 3 बाई 2 होगा, बस अपने को वही चाहिए था, ठीक है। चलिए 16th क्वेश्चन भी देख लेते हैं, सिक्सटींथ और 17th दोनों कर सकते हो आप, पता है आप ये होमवर्क करते ना आपको हार्डली हाफ एन आवर लगता है या फिर मैक्सिमम 45 मिनट्स, और अगर आपने होमवर्क नहीं किया है इसका मतलब मैं समझ रहा हूं कि आप लोग अभी सिंसियर नहीं है, तो आपको सिंसियर बनाने का काम मेरा ही है, वो आप मुझ पे छोड़ दो, बट ये है कि आप लोग बहुत परेशान हो जाओगे, आपको फिर मजबूरी में होमवर्क करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, वही अपना टारगेट है। देखते हैं वाला क्वेश्चन, 2 cot square थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 cos square थीटा अपॉन sin square थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 by sin square थीटा, बहुत मन करेगा कि दोनों को काट दो, कोई दिक्कत नहीं है आप कैंसिल कर दो, बट आपको ध्यान रखना है कि जो चीज कैंसिल हुई है वो कभी जीरो नहीं हो सकती, अब दिस कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो बिकॉज मैंने इसको कैंसिल किया है, समझ में आ रहा है फंडा, दो चीज जिसको आप कैंसिल करते हो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, अदरवाइज आप जीरो और जीरो को कैंसिल कर दोगे, और मैं आपको कम से कम 10 बार तो समझा चुका हूं कि जीरो और जीरो कैंसिल नहीं होते हैं मैथ्स में, क्या बोल के किस मुंह से कैंसिल करोगे भाई,
क्या जीरो का टेबल में कितने बार जीरो आता है? वन टाइम्स, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, वी डोंट नो, वी एक्चुअली डोंट नो, राइट? देर आर मेनी आंसर्स दैट आर पॉसिबल, या फिर अपन सीधे बोल देंगे कि ये डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है. इसके लिए एक अलग चैप्टर होता है लिमिट्स, जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट जनवरी में पढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर जनवरी में नहीं फरवरी में पढ़ते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, अगर आपका स्कूल एग्जाम्स हुआ तो. अदरवाइज तो इसको अपन क्लास ट्वेल्थ में ही पढ़ते हैं, बट कुछ बच्चों का इलेवेंथ में होता है तो बेसिक पढ़ाना पड़ता है. सो कमिंग बैक टू दिस, आपने साइन स्क्वायर थीटा को कैंसिल करा, ध्यान रखना कि साइन स्क्वायर थीटा जीरो नहीं हो सकता है. बस अब आप डायरेक्टली लिख दो कि टू टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, विच मीन्स दैट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ, विच मीन्स दैट कॉस थीटा का मॉडुलस इज इक्वल टू वन बाय रूट टू. अब स्क्वायर हटा मॉड आया, मॉड हटा प्लस माइनस बटा, एकदम आप सीक्वेंस से सब कुछ याद रखो, इट्स अ हार्मनी. कॉस थीटा वन बाय रूट टू कब होता है? रूट एंगल बताइए मुझे जल्दी से. पाई बाय फोर, 45 डिग्री, तो चारों क्वाड्रेंट में देखना पड़ेगा, ऑल फोर क्वाड्रेंट्स. तो ये लिखा है अपने सामने इवन पाई, टू एन पाई, और ये लिखा है हमारे पास टू एन प्लस वन पाई. क्या करें बताइए, 45 डिग्री ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो प्लस पाई बाय फोर माइनस पाई बाय फोर. इज दैट ओके? और यहां पर भी क्या करोगे, 45 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दोगे या फिर ऐड कर दोगे, तो कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई हो, आपको क्या करना है, या तो ऐड करना है 45 डिग्री या तो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स. इसको आप लिख लो. 17th क्वेश्चन जो है वो देखते हैं अपन, देख ही लेते हैं, अब अपन फ्लो में है तो अपना खत्म हो जाएगा. ओके, सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3, ठीक है, तो यहां से पता चलेगा अपने को सेकेंट थीटा का मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4/3. तो अंडर रूट ऑफ 4/3 मतलब क्या हो जाएगा, 2/√3, और यहां पे क्या है, मॉड ऑफ sec थीटा. अब मॉड हटेगा तो प्लस माइनस बटेगा, तो मॉड हटा दो और प्लस माइनस बांट दो, ठीक है, तो sec थीटा 2/√3 है, तो cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा √3/2 प्लस माइनस का, उल्टा कर दो ना, क्या दिक्कत है, ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से. व्हाट इज द रूट एंगल, द रूट एंगल इज गोइंग टू बी 30 डिग्री, मतलब पाई बाय 6 रेडियंस. अब मेरे को तो डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं, आपको इतना अच्छे से पता है. अच्छा, लेक्चर डिस्कनेक्ट होगा, तुरंत रिकनेक्ट करना है आपको, ठीक है, टाइम मत लगाना बिल्कुल भी, प्लस पाई बाय 6 करो या फिर माइनस पाई बाय 6 करो, यहां पर भी सेम, तो आपको चारों तरफ से सेम एंगल मिलेंगे. हाँ जी, तो कॉस थीटा पाई बाय 6 आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो थीटा क्या हो जाएगा फाइनली, कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई हो तो आपको प्लस पाई बाय 6 और माइनस पाई बाय 6 करना है. डन, आगे बढ़े. चलिए, तो 17 क्वेश्चंस अपन ने ऐसे लोनी बुक के कर लिए हैं. अब आपको अगला जो क्वेश्चन है दैट इज 18th, 19th, और बाकी क्वेश्चंस मेरे पास है नहीं एक्चुअली, जिन्होंने मुझे फोटो भेजा था बस 18th, 19th तक भेजा है, कोई बात नहीं, आप 18th और 19th, 20, 21, 22 ये 5 क्वेश्चंस और ट्राई करो, ठीक है, अपन कल देखेंगे इसको, आगे बढ़ा जाए. चलिए, तो अपना यहाँ पर कंसेप्ट जो है जनरल सॉल्यूशन का टोटली खत्म होता है. एक और कंसेप्ट होता है वो अपन थोड़ा सा बाद में देखेंगे, ठीक है, हाँ जी, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको. cos of
वन रेडियन इज ग्रेटर देन साइन ऑफ वन रेडियन, ठीक है, ये रेडियन है ना, रेडियन नॉट डिग्री, आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। अच्छा कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कुणाल आपने ज्वाइन किया कि? कुणाल इज नॉट एबल टू ज्वाइन। ओके, कॉस वन रेडियन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन साइन वन रेडियन। सोचो थोड़ा सा, मैं आपको हल्का सा टाइम देना चाह रहा हूं, ट्राई टू थिंक इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। साकेत इज सेइंग दैट इट इज फॉल्स, एनीवन एल्स? आप भी एक बार ट्राई करके देखिए। फॉल्स, चलो मैं देखता हूं इसको समझते। देखो वन रेडियन कौन से क्वाड्रेंट पे फॉल करेगा बच्चों, कोई मुझे बताना चाहेगा वन रेडियन कौन से क्वाड्रेंट पर फॉल करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो वन रेडियन जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पर फॉल करेगा। कैसे पता अपने को, मैं आपको बता, देखो जीरो रेडियन या जीरो डिग्री दोनों सेम होता है, एक ही ऐसा एंगल होता है जिसका रेडियन और डिग्री सेम होता है, मतलब जीरो, इसके बाद कोई भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो जीरो रेडियन ये हो जाएगा पाई बाई टू रेडियंस, नंबर्स में देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.57, एग्जैक्टली नहीं कह सकते अपन क्योंकि ये तो डेसिमली बहुत लंबा जाएगा ना, इरेशनल नंबर है, नेवर एंडिंग नेवर रिपीटिंग, ये आ जाएगा पाई, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3.14, और ये है 3 पाई बाई टू, कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 4.71, एंड दिस इज अगेन 2 पाई, 2 पाई कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 6.28, इज दैट ओके? नाइस, तो आप मेरे को बताइए 1 रेडियन कहां पर मिल रहा है? 1 रेडियन आपको डेफिनेटली 1.57 के तो पहले मिलेगा और 0 के बाद में मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, नथिंग डिफिकल्ट। थोड़ा कोशिश करते और समझने की, बेटे ये वाली जो लाइन होती है मान लो ये 45 डिग्री एकदम सेंटर पे रहता है ना 45 डिग्री, तो ये है पाई बाय 4, कोई मुझे बताना चाहेगा कि पाई बाय 4 1 से छोटा होगा या बड़ा होगा? अरे कैसी बात कर रहे हो बेटे, 3.14 होता है पाई और 4 डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर छोटा है, तो ओवरऑल क्वांटिटी 1 से छोटी होगी ना, 0 पॉइंट समथिंग टाइप का नंबर आएगा ये, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वाला नंबर 1 से छोटा है, तो आपका जो एंगल आएगा वो ऊपर कहीं आएगा, यहां पर कहीं आएगा 1 रेडियन, समवेयर हियर, ये होगा 1 रेडियन, ये है पाई बाय 4 रेडियन। अब मैंने पहली बात तो पाई बाय 4 को क्यों यूज करा है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो साइन और कॉस के बीच में ना एक गजब का कंपटीशन चलता है, वेरी 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 इंटरेस्टिंग कंपटीशन, क्या आप देखना चाहोगे वो कंपटीशन? समझते अपन है ना, देखो इस चीज को समझो कि ये जो रेड वाली लाइन होती है ना, इट्स अ मैजिकल लाइन, यहां पर साइन और कॉस का वैल्यू बराबर होता है, बताओ 45 डिग्री वाली लाइन है ना ये, दिस इज 45 डिग्री, मैं बना देता हूं अच्छे से, दिस इज 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पर साइन का वैल्यू क्या होता है 1/√2, कॉस का वैल्यू क्या होता है अगेन 1/√2, तो साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू यहां पर इस एंगल के लिए क्या आता है, इक्वल आता है। इसके तुरंत बाद क्या होने लगेगा वो अपने को देखना है, जैसे ही अपन आगे जाएंगे तो साइन बड़ा होगा या कॉस बड़ा होगा देखते हैं। जैसे आप यहां पर पहुंच जाओगे अगर,
तो यहाँ पर तो कॉस जीरो हो जाता है और साइन यहाँ पे वन हो जाता है। तो अच्छा मेरे को अब समझ में आया कि साइन और कॉस की लड़ाई चल रही थी और ऊपर ये वाली लाइन से ऊपर जाते ही अब साइन का वैल्यू बड़ा होने लगा। देख रहे हो आप, कोई भी एंगल चूज कर लो, कोई भी एंगल चूज कर लो, आप 60 डिग्री देख लो, 60 डिग्री मान लो ऐसा कुछ आएगा 60 डिग्री, है ना। तो 60 डिग्री पर साइन का वैल्यू क्या होता है, रूट थ्री बाई टू, और कॉस का वैल्यू क्या होता है, हाफ। कौन बड़ा है, अरे न्यूमरेटर कंपेयर करना है, डिनोमिनेटर तो दोनों का टू टू है, तो ये बड़ा है ना, साइन बड़ा है कॉस छोटा है। तो मेरे को इतना समझ में आ गया कि रेड वाली लाइन पे दोनों बराबर होते हैं, इसके ऊपर जाते ही साइन डोमिनेट करने लग जाता है, साइन का वैल्यू बड़ा आएगा। अब मैंने ये 60 डिग्री से इसलिए चेक करा क्योंकि 60 डिग्री का वैल्यू हमें याद है और कोई रीजन नहीं है, बाकी 60 डिग्री के बाद सीधे 90 डिग्री याद है, तो मैंने 90 डिग्री भी चेक करके देख लिया। तो अभी क्या कर रहा है, साइन इज डोमिनेटिंग, है ना, ये वाली लाइन के ऊपर साइन डोमिनेट करने लग जा रहा है, ठीक है। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, हमें ये तो समझ में आ रहा है कि साइन इज डोमिनेटिंग, लेकिन साइन कहां तक डोमिनेट करेगा, कोई मुझे बताना चाहेगा। देखो अब एएसटीसी रूल याद है आपको, एएसटीसी, इसमें हमको ये भी पता है कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट पर भी पॉजिटिव होता है, वेयर एज कॉस नेगेटिव हो जाता है, और हमें पता है कि पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट जो है ना, यहां पर भी पूरा साइन का इलाका रहेगा, साइन का दबदबा रहेगा, साइन का डोमिनेंस रहेगा। तो साइन का डोमिनेंस कहां से चालू हुआ है, ये रेड वाली लाइन से, और कहां तक चला है, ये पूरा 180 डिग्री तक, यहां तक, ये जितने भी एंगल ले लो इस बीच में, आप पिक एनी एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, ये रेड वाली और ये रेड वाली, यहां तक साइन जो है डोमिनेट करेगा। इसके आगे का मेरे को अभी फिलहाल पता नहीं है, देखते हैं। अच्छा यहां तक तो अपने को एकदम श्योर शॉट है कि साइन इज डोमिनेटिंग, ठीक है। ये दोनों रेड लाइन के बीच में आप कोई भी एंगल ले लो इस इलाके में, ये जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये रेड लाइन के ऊपर वाला और ये वाली रेड लाइन के ऊपर वाला, ये वाला रीजन जो भी आएगा, इस रीजन पर कोई भी एंगल बनता है तो साइन विल डोमिनेट, साइन का वैल्यू बड़ा होगा कॉस से फॉर दैट सेम एंगल। ओके आई होप वी आर क्लियर विद दिस, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो साइन डोमिनेट कर रहा है। अच्छा एक बात और बताओ मुझे कि थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते, साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, टैन पॉजिटिव होता है। अच्छा, चलो ये 180 डिग्री पर साइन का वैल्यू क्या होता है मुझे बताओ, साइन ऑफ 180 डिग्री जीरो, कूल इनफ, और कॉस ऑफ 180 डिग्री इज माइनस वन, तो अभी भी साइन बड़ा है, जीरो बड़ा होता है माइनस वन से। अच्छा ठीक है, और आगे जाओ, कोई एक एंगल बताओ यार बच्चों मुझे, थर्ड क्वाड्रेंट में 30 का कजिन कौन होगा, 180 प्लस 30 210, अरे ऐसे जुगाड़ लगा रहे अपन, 210 डिग्री पर देखते हैं किसका वैल्यू बड़ा है, ठीक है। तो साइन ऑफ 210 और कॉस ऑफ 210 कौन मुझे बताएगा इसका वैल्यू, हिंट दे देता हूं मैं, साइन 180 प्लस थीटा और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस 30, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा इटसेल्फ माइनस, हाँ और माइनस साइन आ जाएगा बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट है, कॉस में भी 180 का रिडक्शन है तो कॉस रिमेंस कॉस, थीटा रिमेंस थीटा, और हमें पता है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट अगेन, और रूट थ्री बाई टू आ जाएगा माइनस, कौन बड़ा है, 1/2 और माइनस 1/2 और माइनस रूट थ्री बाई टू में कौन बड़ा है, फड़फड़ाहट का इलाज है मेरे पास, ये है साइन ये है कॉस। सबसे पहले नेगेटिव नंबर में, चलो छोड़ो डिनोमिनेटर बराबर है तो सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करो, न्यूमरेटर में देखो माइनस वन और माइनस 1.73 कौन बड़ा होगा, डेफिनेटली माइनस वन, छोटा नंबर बड़ा होता है नेगेटिव में। अच्छा तो अरे यार देख रहे हो आप, ये 210 डिग्री तक भी अभी तक साइन का डोमिनेंस चल रहा है, साइन का एकदम दबदबा है भाई, कॉस आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, साइन का वैल्यू अभी तक बढ़ा रहा है। अब मैं कोशिश करता हूं 180 प्लस 45 पर, ठीक है 180 प्लस 45 पर वैल्यू निकालता हूं, तो अब मेरे को बताया 180 प्लस 45 किसका कजिन है, 45 का, साइन का वैल्यू 45 पर क्या होता है 1/√2, कॉस का वैल्यू क्या होता है 1/√2 अगेन,
लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड में दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव? दोनों नेगेटिव। थर्ड में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव रहेंगे। तो अच्छा, ये वाली जो लाइन है यहां पर साइन कॉस का वैल्यू अब बराबर हो गया है। आपको समझ में आई कहानी? कहानी ये चल रही थी, ये तो अपने को क्लियर हो गया कि वन रेडियन पर साइन का डोमिनेंस रहेगा। ये वाला रीजन जो है ना, ये पूरा रीजन जो है यहां पे पूरा साइन का डोमिनेंस रहेगा। मैं आपको वन रेडियन के साथ साथ पूरी कहानी समझाना चाह रहा था। तो वन रेडियन पे तो क्लियर हो गया अपने को कि साइन विल बी डोमिनेटिंग, है ना। ये वाले रीजन पर जो भी एंगल आता है उसका साइन वैल्यू बड़ा होगा कॉस वैल्यू से। तो यहां पे लिखा है साइन वैल्यू छोटा है, वो गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट इज डेफिनेटली फॉल्स। बट वी आर लुकिंग बियॉन्ड दिस क्वेश्चन नाउ। अपन इस क्वेश्चन के काफी आगे जा चुके हैं। आपको इतना समझ में आ गया है कि ये दोनों लाइंस जो मैंने बनाई है इसके बीच में ये रीजन आएगा। ये वाला जो रीजन होता है, ये येलो वाला रीजन, यहां पर ना साइन डोमिनेट करता है। ये होता है साइन डोमिनेटिंग रीजन। इज दैट क्लियर? देखो, बट ऑब्वियस सी बात है, अगर साइन यहां पे डोमिनेट कर रहा है तो नीचे अब कॉस डोमिनेट करेगा। कॉस कब तक पीछे रहेगा भाई, वो भी तो इंसान है। तो ये वाला जो इलाका होता है वो बाय डिफॉल्ट आप समझ लो कि दिस इज कॉस डोमिनेटिंग। ये बहुत शानदार चीज बताई मैंने आपको, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां पे खत्म कर सकते हो। दिस इज कॉस डोमिनेटिंग रीजन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? पक्का? तो अपने को अब ऐसे क्वेश्चन कोई भी मिलते हैं अपन इसको विद इन सेकेंड्स खत्म कर देंगे। अच्छा बेटे, ये वाला एंगल कितना है? पाई बाय फोर, सही बात है, गुड। ये वाला एंगल कितना है? हाँ, ये वाला एंगल कितना है? 180 प्लस 45। अरे कैसी बात कर रहे हो, 180 प्लस 45 तो पता है आपको, 180 प्लस 45 कितना होता है? 225। रेडियंस में बोलोगे तो पाई प्लस 45, तो 5 पाई बाय 4, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 5 पाई बाय 4। तो क्या समझ में आया आपको कि साइन डोमिनेट करता है? फॉर थीटा बिलोंगिंग टू, या चलो थोड़ा मैं आपको अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फॉर थीटा बिटवीन पाई बाय 4 से लेकर 5 पाई बाय 4 तक, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 के बीच में कोई भी एंगल हुआ तो साइन थीटा का वैल्यू हमेशा बड़ा आएगा। आप आंख बंद करके बोल देना साइन थीटा का वैल्यू बड़ा है, ओके? और कॉस डोमिनेटिंग रीजन देखते हैं अपन। कॉस डोमिनेट्स फॉर थीटा बिटवीन फाइव पाई बाय 4 से लेकर, ये 5 पाई बाय 4 से लेकर कहां तक? अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? एक चक्कर लगा चुके हैं ना अपन, तो बेटा अब ये 2 पाई हो जाएगा, सही बात है, ये 2 पाई है। और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 45 डिग्री जो था, 2 पाई प्लस 45। अरे भाई, ये एक चक्कर लगने के बाद ये तो 2 पाई हो गया, है ना, ये वाला 2 पाई हो गया। लेकिन अब एक और चक्कर अपन लगा रहे हैं, वन चक्कर तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद अपन 45 और आगे जा रहे हैं, तो 2 पाई के आगे और 45 ऐड करना है, तो 2 पाई प्लस 45, है ना, तो 2 पाई प्लस 45 तक, ठीक है ना। जब अपन दूसरा चक्कर लगाएंगे तो ये वाला जो इलाका रहेगा, या फिर ऐसा लिख लो, कॉस डोमिनेट फॉर द रिमेनिंग रीजन, द रिमेनिंग रीजन, सिंपल, ये ज्यादा इजी है। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। अब बताना मेरे को कि साइन टू और कॉस टू कौन बड़ा है। चलो मैं आपको ये कर देता हूं, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला, ठीक है। आपका फेज वन खत्म हो जाएगा आज, कल अपन सिर्फ ग्राफ पढ़ेंगे। कल का लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ। अगर आपको नहीं आता है
तो आप फिजिक्स में भी बहुत घबरा जाओगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन करके एक चैप्टर आता है फिजिक्स में, ठीक है। फिर आगे जाके आप कैपेसिटर पढ़ोगे, इंडक्टर्स पढ़ोगे, रेजिस्टर्स पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, सब में साइन कॉस के ग्राफ यूज होते हैं, और मैथ्स में तो यूज होते ही होते हैं। साइन थ्री ग्रेटर देन क्रॉस कॉस थ्री, साइन फोर ग्रेटर देन कॉस फोर, साइन फाइव ग्रेटर देन कॉस फाइव, और लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, साइन सिक्स ग्रेटर देन कॉस सिक्स। किसने कहा लास्ट क्वेश्चन? एक और करेंगे, दो करेंगे। साइन सेवन ग्रेटर देन कॉस सेवन, रेडियंस में सारे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि ये वाला जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, पाई बाय फोर। ओके, पाई बाय फोर वन से छोटा है, और फाइव पाई बाय फोर का अगर डेसिमल वैल्यू निकालना है तो आप फटाफट निकाल सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो, फाइव इंटू पाई बाय फोर, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। फाइव फोर जर ट्वेंटी, फाइव वन जर फाइव सिक्स सेवन, फाइव थ्री जर फिफ्टीन डिवाइडेड बाय फोर, हंड्रेड नीचे आएगा, फोर थ्री जर ट्वेल्व थर्टी सेवन, फोर नाइन जर थर्टी सिक्स, फोर टू जर एट, फोर फाइव जर टेन, और 3.92 आएगा, ठीक है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3.925, मेरे को भी याद नहीं है बट मैंने आपके सामने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ओके, चलिए, तो क्या किया जाए अब? अब कोशिश करते हैं। आपको पता चल गया ना कि पाई बाय फोर से लेकर 3.925 तक रफली साइन डोमिनेट करेगा, तो है ना, ये जो 2 है वो 3.92 से छोटा है, साइन डोमिनेट करेगा। इट इज ट्रू, दिस इज ट्रू। साइन 3, अच्छा देखो ये जो 3 है वो भी 3.925 से छोटा आएगा, तो भी आपका बोलोगे कि दिस इज ऑल्सो ट्रू, साइन इज स्टिल डोमिनेटिंग। लेकिन अब फॉल्स आ जाएगा, साइन फोर, देखो ये फोर जो होगा ना 3.9 से बड़ा होता है, आगे हो जाएगा और वो कॉस के इलाके में घुस गया, कॉस के इलाके में, तो भाई साहब कॉस ही डोमिनेट करेगा, तो ये फॉल्स हो गया बिकॉज यहां पर कॉस का डोमिनेटिंग रीजन है। साइन फाइव कॉस फाइव, अच्छा देखो अप्रोक्सीमेटली ये 2 पाई कितना होता है, 6.28, 6.28 तक तो अपने को कोई टेंशन नहीं है, देखते हैं। यहाँ पे ये 5 जो है 6.28 से छोटा है, मतलब अभी भी अपन कॉस के इलाके में है, कॉस के इलाके में कॉस बड़ा होना चाहिए इसलिए फॉल्स। यहां पर अपन देखेंगे फिर से कॉस का इलाका चल रहा है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। अच्छा अब ये 7 जो है, 7 जो है 6.28 से बड़ा हो गया है, बट क्या वो इस रेड लाइन से ऊपर जा चुका है? तो ये रेड वाली लाइन जो है उसको आप क्या बोल दोगे, 2π प्लस पाई बाय 4, 4 टू जर 8, 9 पाई बाय 4, ठीक है, इसको अपन बोल देंगे 9 पाई बाय 4। 9 पाई बाय 4 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालू मैं, देखो 9 3 जर 27, ये 27 आएगा डिवाइडेड बाय 4, करके देखते हैं, 4 6 जर 24, 34 7 जर 28, 6.75 आ रहा है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि 3.14 लेने से क्या आएगा, थोड़ा सा ही चेंजेस आएगा ना, आप चाहे तो 3.14 ले लो और 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 और 12, 9 3 जा 27, 28, 0.26 डिवाइडेड बाय 4, 4 काटो, 4 7 जा 28, 2 नहीं जा रहा है, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 और नीचे 7.06, ओके थैंक गॉड मैंने इसको कैलकुलेट ढंग से कर लिया, दिस इज 7.06, ठीक है। तो अब 7 से बड़ा नंबर है ये, आप इस चीज को समझो बेटे कि 7.06 के पहले ही तो आएगा 7, अरे यार कम ऑन, 7 रेडियन इसके 7.06 के पहले आएगा, है ना, तो पहले आएगा तो कौन से इलाके में रहेगा, कॉस के इलाके में रहेगा, तो कॉस बड़ा होना चाहिए, तो अगेन दिस इज फॉल्स, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा कर देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट,
साइन 8 इज ग्रेटर देन कॉस 8, ट्रू और फॉल्स ये बता दो। आपका चैप्टर जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, कल अपन ग्राफ देखेंगे, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मिस मत करना। ओके, दिस इज ट्रू क्योंकि अभी अपन साइन डोमिनेटिंग रीजन पे घुस चुके हैं, सेवन से बड़ा मतलब